हेलो एवरीवन, दिस इज समर मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि खबर आ रही है कि 118 ऐप इंक्लूडिंग पबजी उसे बैन कर दिया गया इंडिया में। तो गाइस, जो गवर्नमेंट हमें जो ऑर्डर दे रही है उसे तो हमें फॉलो करना ही है, बट जब बात देश की जाए तो हमारे भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चाहे हम लड़ करके दें, फिर हो सकता है किसी गेम की ऐप को ना खेल करके उसे सैक्रिफाइस करके दें। तो जैसा कि आपको बता दें कि पबजी तो ऑलमोस्ट बैन हो चुका। तो बेसिकली जो यूट्यूबर्स जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जो वीडियो गेमिंग के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल चला रहे थे, उन्हें तो थोड़ा सा इफेक्ट आए गए। जैसे कि कैरी मेनाइटी हो गया और डायनमो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो बेसिकली पबजी से ही अपना चैनल को वो लोग ग्रो किए थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा उन्हें फॉल डाउन तो होगा, बट एक और अच्छी बात यह है कि जो लोग पबजी के एडिक्टेड थे, जो बहुत सारे ऐसा न्यूज़ मेरे पास भी आता था, बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते थे कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा जब एक बार पबजी में घुसते थे तो कैसे ये 3 घंटे 4 घंटा गुजर जाता था पता नहीं चलता था। तो जैसे कि अब पबजी बैन हो चुका है, तो अब क्या है ना कि जो यूथ, जो हमारे देश के जो यूथ है, एक और रिपोर्ट से ये पता चला है कि इंडिया में अक्रॉस 50 मिलियंस इंडियंस जो पबजी के एडिक्टेड थे, जो पबजी खेलते थे, और पर डे का जो रिपोर्ट है वो 13 मिलियन गेमिंग के थ्रू। हाँ, उन लोगों को थोड़ा सा अफेक्ट तो हो गए। तो जो लोग जो एडिक्टेड, जो 3-3 घंटा 4-4 घंटा जो गेमिंग में डूबे हुए थे, उन लोगों के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपना कोई भी चैनल बनाओ, उस पर मेहनत करो, थोड़ा सा अपने पबजी से निकल करके थोड़ा सा डेली लाइफ में, थोड़ा सा सोशल लाइफ में थोड़ा सा फोकस करो। तो बस आज की ये छोटी सी वीडियो थी, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।